ये मठ हाउस बन रहा है, ये मठ हाउस बहुत अच्छा है। इस मठ हाउस में घरों में बीमारी कटती हैं। और यह देखो कितना खूबसूरत मठ हाउस बनाया है, ये मठ हाउस बहुत खूबसूरत है। ये आप देख सकते हो, ये सामने बरांडा है और ये बरांडे की स्टेप हैं, ये भी राउंड में है। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी चार स्टेप बनी हुई हैं, चारों स्टेप राउंड में हैं। और आप साइड में भी देख सकते, रेलिंग भी देख सकते हो, ये रेलिंग भी सब डिजाइन में बनी हुई हैं। और बरांडा में जो बरांडे की बाउंड्री है, ये सब देखो राउंड में बनी हुई हैं। अभी इसमें काम चल रहा है, अभी नीचे का फर्श नहीं हो पाया है और फिनिशिंग का काम चल रहा है, इंटरनेशनल फिनिशिंग। इस फिनिशिंग में आप देख सकते हो कि किस तरह की फिनिशिंग है ये, देखो इस फिनिशिंग बहुत अच्छी फिनिशिंग है। अभी इस पर कम से कम 10 कोड और होंगे, 10 कोड के बाद इस पर बहुत सारी चीज़ें लगाई जाएंगी और इस पर सोप लगाई जाएगी, ऑयल लगाया जाएगा, तब इसकी शाइनिंग शीशे की तरह झमकेगी। और आप चाहे तो इसमें चेहरा भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अभी आप देख सकते हो इसमें काम चल रहा है, जैसे कि देखो अभी इसमें लाइटें भी लगी हुई हैं, जहाँ तहाँ अंडरग्राउंड लाइटें हैं सब। ये देखो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। और ये मेन गेट साहब, जैसे हम बड़े अंदर, ये है दूसरा रूम है। इस रूम में एक सामने सोफा बना हुआ है और साइड में बाल का कलर मेहरून कलर है। आप चाहे तो जो भी कलर बनवा सकते हैं। यह रेड ऑक्साइड लगा हुआ है इस पर, और ये सामने शीशा लगा हुआ है, और ये बेड, और बेड पे भी डिजाइन बना हुआ है। आप चाहे तो जिस तरह का भी डिजाइन बनवा सकते हो, एकदम स्मूथ फिनिशिंग के साथ। अब दूसरे रूम में जाएंगे हम, देखो दूसरे रूम, ये तीसरा रूम है। तीसरे रूम में भी सामने सोफा बना हुआ है और सामने विंडो बनी हुई है, और ये बेड और ये सोफा छोटा बना हुआ है, चाहे तो आप गमला रख सकते हो उस पर। और ये बेड बना हुआ है, ये देखो बेड, कुछ 6x7 का बेड बना हुआ है। और ये विंडो लगी हुई है, और ये बोर्ड, और बेड पे डिजाइन, और लाइटें, अंडरग्राउंड फिटिंग, कॉइन बोर्ड, मोल्डर फिटिंग।